एक और प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर n एक वेरिएबल है जिसमें 1 इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर while लूप लगाया गया है और while n इज लेस देन 5 यानी 4 तक चलेगा। लेस देन का मतलब 4 ही हुआ, लेस देन 5 यानी 4, तो 1 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा। और ऐसी स्थिति में क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है हेलो पाइथन लर्नर्स, तो ये 4 बार प्रिंट होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दी गई है, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये तो इंक्रीमेंट है n प्लस 1 यानी एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा ये, और ये 4 बार प्रिंट होगा। और यहाँ पे कहा गया इफ n की वैल्यू बराबर हो जाती है 3 के तो ब्रेक कर दीजिए, यानी n की वैल्यू यानी यहां पर अगर 3 आ जाता है, जैसे 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा यानी वो लूप वहीं पे रुक जाएगा जो चल रहा है। तो एक बार इसको चलाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे 2 ही बार आ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था, n की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी तो यहां पर ये लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए थोड़े चेंजेस इसमें करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कर देते हैं 12, n इज लेस देन 12 यानी 11 तक की बात करते हैं, और यहां पर चेंजेस फिर कर रहा हूं, जरा देखिएगा यहां n प्लस 2 कर दे रहा हूं, और यहां पर देखिए यहां पर मैं करूंगा इज इक्वल टू 9, तो 9 किया तो इसका मतलब क्या होगा, 9 किया तो इसका मतलब समझिए क्या निकलेगा। देखिए मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको पूरा बता देता हूँ, ये कमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहले तो 1 तो ये प्रिंट ही कर देगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा, फिर 1 के बाद दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 प्रिंट करेगा, 9। लेकिन यहाँ पे कहा गया अगर 9 के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दीजिए, तो 7 तक ही प्रिंट करके ये रह जाएगा, यानी हेलो पाइथन लर्नर्स ये जो प्रिंट होगा वो इस सीक्वेंस में प्रिंट होगा। ये देखिए फर्स्ट पहले पहला वाला ये प्रिंट होगा, फिर तीसरा वाला, फिर पांचवा वाला, फिर सातवा वाला, यानी कुल मिला के 4 बार ये प्रिंट होगा। तो एक बार इसको चलाते हैं, यहाँ से ये चलाया हमने तो आप देख सकते हैं ये 4 ही बार प्रिंट हो रहा है। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम जो प्रिंट हो रहा है वो पहला वाला है, ठीक है, यानी पहली बार जब प्रिंट हो रहा है तो फिर दूसरा छोड़ के तीसरा प्रिंट कर रहा है, तीसरा प्रिंट करके चौथा छोड़ के पांचवा, फिर छठवा जो है छोड़ के सातवा प्रिंट कर रहा है, और आठवीं बार तो नौवा आ जाएगा, तो ये तो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और यही अगर 1 होता, ये 1 होता तो ऐसे स्थिति में ये ज्यादा बार प्रिंट करता, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इस सीक्वेंस पर प्रिंट हुआ था। अब क्या होगा, अब इस सीक्वेंस में ना प्रिंट होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार ये प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन बड़ा मायने रखता है, ठीक है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 8 बार प्रिंट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये नीचे 8 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है।